हाय, लेट्स मेक एग पराठा। आपने अंडा ऑमलेट तो ज़रूर बनाया होगा, पराठा तो ज़रूर बनाया होगा, लेकिन एग पराठा आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे टेस्टी इजी एंड एग पराठा। तो एग पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल में दो अंडे। यहाँ पे क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, जितनी भी आपकी सर्विंग हो। तो यहाँ पे दो अंडे, और मैंने ले लिया है यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे डाइस में शेप कर में कट कर लिया है, और ले लिया आधा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज के साइज को हम बिल्कुल छोटे छोटे रखेंगे। डालेंगे धनिया पत्ते और हरे मिर्च। हरे मिर्च अगर आपको स्किप करना हो तो आप कर भी सकते हैं, तीखा अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। डाल देंगे यहाँ पे दूध, मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे कटोरी के यहाँ पे साइज में लिया है, और सभी को डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। दूध यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया था दूध, और सभी को डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। और डालेंगे यहाँ पे एक कटोरी यहाँ पे फ्लावर, मैंने पूरी तरीके से सारा नहीं डाला था, थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि एक बारी में डालने से जो हमारा बैटर है वो ज़्यादा पतला हो सकता है, तो कुछ हमें इस तरीके से वाटरी हमारा होना चाहिए। डालेंगे अब इसके ऊपर नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर, और डालेंगे चिली फ्लेक्स, और सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा एक पतला सा बैटर बन के तैयार होगा कुछ इस तरीके से। अब हम ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई, आपको जिसमें भी बनाना हो, डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल, और ले लेंगे कुछ इस तरीके से बड़े स्कूप में यहाँ पे हम जो हमने बैटर बना के तैयार करा था, और इवनली डाल लेने के बाद इसे सेक लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जैसे ही नीचे की तरफ हमारा कुक हो जाएगा, हम साइड चेंज कर लेंगे, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना था, और आप देख के समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको जितनी मर्ज़ी आपको बनाने हैं पराठे, उतना बना के तैयार कर सकते हैं, और ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारा बन के तैयार हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और इजी हेल्दी रेसिपी है। मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे टमाटो केचप या फिर धनिया की चटनी किसी के साथ भी सर्व करके खाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये मेरी मम्मा को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और देखिए, दूसरा भी मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है एग पराठा। इस तरीके से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इसे सेक लेना था, और इसे अब हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो कैसी लगी आज की टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट सी एग पराठे की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।